जब रिश्ता अपनी मर्यादा को लांघती है तो जन्म लेता है जघन्य अपराध। कुछ ऐसा ही मामला झरिया में 23 नवंबर की रात को हुआ, जहां अपनी साली के प्यार में पड़कर पति ने अपनी पत्नी की अपने दोस्तों के साथ मिलकर गला रेतकर हत्या कर दी, जिसका बलियापुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ही ले ली जान, साली के प्यार में पति ने की घर वाली की हत्या, बलियापुर पुलिस ने किया खुलासा। अपनी ही नाबालिग साली के साथ था अवैध संबंध, अपने दो दोस्तों के साथ रची हत्या की साजिश, हत्या में इस्तेमाल हथियार और वाहन जब्त। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कानून के हाथ से नहीं बच सकता। छरिया में भी बलियापुर पुलिस ने 23 नवंबर की रात हुई प्रतिमा देवी की गला रेतकर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के नेतृत्व में गठित टीम ने महिला के पति समेत उनके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो उत्तम ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर साली के प्यार में घर वाली की जान ले ली। जो मृतका थी उसके पति उत्तम देव ने उसकी गला काट के हत्या की, अपने दोस्तों मुन्ना और विकास राय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जब इसके बारे में जानकारी ली कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब अनुसंधान की बात प्रकाश में आई कि उनकी एक साली थी जिसके साथ उसका नाजायज संबंध था और उससे शादी करना चाहते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए वाहन और हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। नाबालिग साली के साथ अवैध संबंध की कहानी जब पत्नी को पता चली, तब उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। करने में मुन्ना उत्तम देव गाड़ी में बैठे हुए थे और वो जैसे ही मतलब इशारा किए गाड़ी आगे बढ़ के गाड़ी रोका गया और ये विकास ने मतलब रूट पूछने के बहाने कि ये धनबाद किधर जाएगा, उनको बजाया और वो तब इसी दरमियान मौका पाके ये मुन्ना उतरा और दाहिने हाथ से बाएं हाथ से मुंह दबा के और एक बार में ही गला काट दिया, जिससे वो मृतिका गिर पड़ी। तब उसके बाद गिरने के बाद भी उसने जब कंफर्म करने के लिए एक दो बार चाकू पेट में भी मारा। बहरहाल उत्तम डे और उसके दोस्तों को पुलिस मेडिकल करवा जेल भेज चुकी है और पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर ये तो साबित कर दिया कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से विकास कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।